आज लास्ट डे हमारा इस घर में हमारा और हमारा दस्तरखान ट्रैश बैग और कल इंशाल्लाह हमारी फ्लाइट है। और अभी आपको मैं सारा घर दिखाती हूँ, अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय द वे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आए हो? बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में। हमें इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि हर काम हम भाग भाग के कर रहे हैं। तो चलें जी नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये वही अंडा कीमा है, अभी तक पड़ा हुआ है और 2 दिन हो गए सो पड़े हुए, और साथ में शरद पराठे ले आए थे और बस वो पराठे हम लोग खा रहे हैं। और ये होता है बंगाली पराठा, छोटा सा टाइनी सा, और लेकिन मैदे का बना हुआ काफ़ी हार्ड है ना, मज़े कैसे। लेकिन सॉफ्ट पराठा है। इसमें बोला था गर्म कर लो कि नहीं? नहीं ठीक है। तेहामी पूछा था मेरा, तेहामी अपना ट्राउजर छुपा रहा, दिखाओ। तेहामी कह रहा था मेरा ट्राउजर गंदा तो नहीं नजर आ रहा। मैं उसे कह रही थी सबको पता है इस वक्त बिल्कुल लास्ट डेज चल रहे हैं, तो बार बार रोज कपड़े तो नहीं चेंज हो रहे ना, बस सामान समेटने की पड़ी हुई है ताकि वॉश ना करने पड़े ज्यादा कपड़े। कोई नहीं बेटा, कुछ कहेगा, सारे अंडरस्टैंड करते हैं। चलें हम नाश्ता करते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। ये बात कर रहे हैं कबर्ड की रॉड्स की, नहीं वो मैंने कोशिश की थी वो नहीं निकला मुझे। ये कहाँ का रॉड है? अच्छा ये कर्टन रॉड्स है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बाकी जो है कल सुबह तक हमने जो है 10 o'clock को रेडी होना है। ओके इंशाल्लाह फ्लाइट के लिए ना, इंशाल्लाह। हाँ तो सारे काम आज रात को ही होने चाहिए, नहीं तो फिर कल नहीं होगा। हाँ जी जी, मेरी बात सुने, मिशी के लिए तो फिर KFC की स्ट्रिप्स ले लेनी है ना, तिहामी उसके लिए। तो मैं फ्रिज अभी ऑफ करके चली जाऊँ ताकि अच्छी तरह अगर कोई पानी है तो निकल जाए उसमें से। ठीक है, शहजाद के फ्रेंड्स हैं जो शहजाद की हेल्प कर रहे हैं हमारे जाने के 5 दिन के बाद, वो यहाँ से सामान भिजवाएंगे, ट्रक में लोड करवाएंगे और फिर ट्रक जो है इंशाल्लाह दुबई आएगा। वो बात हो रही है कि उन्होंने आके रात को सामान देखना है कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। तो अच्छा मैं ये कह रही थी कि आप जब जाएंगे उनको छोड़ने के लिए तो आप बच्चों को ले जाएंगे, मैं फिर उस वक्त जो है वो कर लूँ अपना जो है वो फेस शेस और ये वो सारा। चलें ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे वीडियो एडिट कर रही हूँ, बैठ के जल्दी जल्दी वीडियोस एडिट कर रही हूँ ताकि जिस वक्त हम ट्रैवलिंग कर रहे हो आपके पास कंटेंट हो देखने के लिए। मुझे लग रहा है कि मेरे फ़ोन का ना स्क्रीन भी क्लीन नहीं है, मैं उसको क्लीन कर लूँ। आज का दिन जो है ना, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे और लास्ट नाइट है इस घर में और इस कंट्री में, थोड़े से सैड भी हैं और थोड़े खुश भी, एक्साइटेड हैं नए कंट्री के लिए और नए फ्यूचर के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत अच्छा करेंगे, हमें उम्मीद नहीं यकीन है अल्लाह ताला पे, बिल्कुल 100% यकीन है। तो अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में, ज़रा थोड़ा सा काम है और उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना है, 2-4 चीज़ें खरीदनी है ज़रूरी सी, जिसमें जैसे मिशारी का दूध वगैरह, और फिर उसके बाद और मेरी 1-2 मेडिसिन हैं पेन किलर्स, और उसके बाद फिर हम लोगों ने और क्या करना है, फिर हमने वापस आना है और बाकी के काम निपटाने हैं। तो आज की वीडियो जो है ना इसी तरह रैंडम तरीके से बन रही है, और मैं सारी रात की जागी हुई हूँ और मैं फिर सुबह 12 बजे उठती थी, सुबह 6:30 बजे सोई थी, यानी कि कल जो मैं उठी थी उसके बाद सोई ही नहीं। इस वक्त 6 बज रहे हैं, मिशारी की वैक्सीनेशन करवानी थी वो करवा ली है, और अब जो है वो तिहामी के डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने हैं, नहीं किसी को देने हैं अटेस्टेशन के लिए, क्योंकि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट अब मिला है तो उसकी अटेस्टेशन करवानी है।
तो बस उसके बाद हम थोड़ी देर में अभी जाएंगे घर, और आज तो खाना भी बाहर से ही खाना है। आज से आगे 8 दिन जो है ना खाना बाहर से ही खाया जाएगा। तो चलें देखते हैं आज क्या खाना है। मूड तो बहुत था कि ग्रैंड मॉल जाएं आखिरी बार, आज रात के बाद हमें ये नहीं देखने को मिलेगा सिटी, ये कंट्री इंशाल्लाह मक्का मदीना ज़रूर आएंगे अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन यह कि ग्रैंड मॉल तक कौन आएगा, या दरीन मॉल दमाम में था वहाँ कौन जाएगा, या फिर रियाद गैलरी रियाद में मॉल कैसे जाएंगे हम इन जगहों पे। खैर तो लेकिन आज हमारा हुलिया इतना ख़राब है, यकीन माने हमारे कपड़े ही ऐसे नहीं हैं कि हम जाएं, बहुत बुरी हालत है, गंदे कपड़े हैं। एक तो यह ना कि चलो अनप्रेस्ड हैं ठीक है समझ में आता है, लेकिन गंदे कपड़े हुए हैं हम सारों के। तो हॉस्पिटल तो मजबूरी थी, लेकिन मॉल अभी नहीं जाएंगे तो बस इसके बाद अब चलते हैं, फिर देखते हैं क्या नेक्स्ट क्या करना है।